नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। लोक निर्माण विभाग की ओर से कलायत से गांव सजुमा जाने वाली सड़क निर्माण के लिए उखाड़ी गई बजरी की लेयर के कारण स्थानीय लोगों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सजुमा रोड निवासी मास्टर अशोक राणा, जोगिंदर सिंह, सोमपाल राणा, राजवीर मल, महावीर सिंह, गौरव, सुरेश राणा, कालाराम, राजीव धीमान आदि ने बताया कि सजुमा से कलायत जाने वाली सड़क का निर्माण करने के लिए बजरी की ऊपरी लेयर उतारी गई थी। करीब दो सप्ताह बीत जाने के बाद भी लोक निर्माण विभाग की ओर से सड़क का निर्माण नहीं किया गया, जिसके कारण सड़क पर वाहनों के आवागमन पर पूरा पूरा दिन धूल उड़ती रहती है और सड़क पर पड़े पत्थरों के कारण से कई बार वाहन चालक और पशु फिसल कर चोटिल हो जाते हैं। उन्होंने सरकार और प्रशासन से सड़क का निर्माण अति शीघ्र करवाए जाने की मांग की है। लोक निर्माण विभाग जेई सुशील कुमार ने बताया है कि सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है, अगले एक दो दिन में सड़क का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। कलायत से हमारे संवाददाता कुलदीप परमार की रिपोर्ट। जी कहाँ से आते हो आप? जुम्मा से। क्या समस्या है? समस्या सर ये है जी, जावा से सुबह सुबह रहे हम काम पर, चिक्कड़ मचा कर रखा, गमी बना दिया, गमी बना रही है सड़क पर, बना रही है जमी गमी, खड्डे खड्डे सारे रोड़े राड़े टायर की सड़क, वहाँ हमने तंगी बहुत ज़्यादा आ रही है। क्या नाम है अपने? मेरा मनीष है जी। क्या समस्या है? समस्या ये है जी, 10 दिन हो गए पाड़ रखे जी, और सीधा गमी के उसमें टायर नीचे रोड़ा हुआ है, अगली दुकान ना पे घर में जावे जी, धूल मिट्टी रहना दुब्बर कर दिया जी, अभी काम बंद पड़ा जी सारा। तो किस लिए उखाड़ी थी ये सड़क? ये नु गांव थी ना, सड़क बना, सड़क एक गमी बना दीजिए तो सारी ना उरे ना सीधे धूल मिट्टी आँखा फूट दे जी, मोटरसाइकिल वाले कहीं तो मोटरसाइकिल वाले गिर गए जी, वह बात बात के ठावा जी, तो ये करते हैं जी जल्द से जल्द बनाई जा, कितनी तोड़ी वाली इतनी तोड़ी बना दी सड़क। वो जी फिर पानी छिड़क दे, टैंक टैंक ले आओ पानी का, उस मुंह और जल्दी वा कर दे दरण में कह जी, बस आंखा में धूल मिट्टी है, रोड लग गया जी उरा, तो मार तो यही मांग है जी, कितनी तोड़ी बनाई इतनी तोड़ी बना दी जी। जोगिंदर सिंह है जी। क्या समस्या है जी? समस्या बहुत ज़्यादा है जी, 10 से 15 दिन हो गए इसको सड़क को पट्टे हुए, ना तो इस पर कोई पानी छिड़काव होता जी, आज पहली बार दूसरी बार 15 दिन के अंदर दूसरी बार आज थोड़ा टैंकर आया, वो भी एक साइड पानी छिड़क के गया, और जो हमारे पशु हैं इतने ज़्यादा परेशान हैं जी हम, ये जो रोड है सारा कृषि उस तय संपर्क रहे जी, सारे हमारे पशु लंगड़े हो गए जी, रोडे इस पर पड़े हैं जी, इसकी कोई समाधान नहीं जी, इतनी गहरी समस्या आ रही है, मतलब घास लाने में असमर्थ हैं जी हम, ना तो इस पर बाइक चलता जी कोई, ना पशु लेकर जावा जी वो लंगड़े हो जाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा समस्या है, समस्या इतनी है कि मतलब बता बयां नहीं कर सकते हम, यही अपील कराएंगे। इसका समस्या क्या है जी, ये रोडे जो पड़े हैं बाइक वगैरह गाड़ियां वगैरह आवा उछड़े हैं, ये हमारे घर में भी लगे हैं जी, कई बार बच्चों के भी लगे हैं जी, और कई बाइक गिर के चोट भी आई है जी कई यहाँ, और धूल का तो क्या बयां करें जी, अगर हमारे घरों में जाके देखोगे हम, चाहे दिन में 10 बार सफाई कर लिया हमारे घरों में धूल ही धूल नजर आएगी जी। क्या मांग करते हो आप? हम तो यही इस प्रशासन से और आपसे और सभी से सरकार से यही अपील करते हैं, जल्दी से जल्दी इसको बनाया जाए और इस पर पानी छिड़काव निरंतर रखा जाए और इसको जल्दी से जल्दी पूरा करने का कार्य करे, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हमको उठानी पड़ रही है जी इसके।